गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। अभी मैं सोके भी उठ गया, फ्रेश अप भी हो गया। और यहाँ पे जाने क्या बोलता था वो हाल ना हाल कहते हैं वो बींस। हम लोग का भाषा से धूमरसो में बोलते हैं ना, कहते हैं। आज जो है हम लोग का मंदिर पे खाना वगैरह डोनेशन करना है। एक महीना में एक बार होता है हम लोग का डोनेशन। गांव में जितने भी परिवार लोग है सबका परिवार से जो है एक महीना में ऐसे सात परिवार लोग जो है खाना परोस देते हैं मंदिर पे। तो आज हम लोग का बारी है इस खाना देने का, तो इसलिए जल्दी जल्दी बनाना पड़ेगा। और तेरा मामू को भी जल्दी भूख लगता है, तो आज जो है ब्रेकफास्ट नहीं होगा, सीधा लंच होगा। सुबह सुबह सबसे पहले उसका चला गया ना जिम पे। मंजिता पहले क्या बोल रही है पता है आप लोगों को? मंजिता बोल रही है आलसी मामू तो अभी भी सो रहा है। अरे नहीं, हम तो सोचा था अभी भी सो रहा है। सबसे पहले वो उठता है हम लोग का घर से, और सेकंड मम्मी उठी है। मम्मी उठने के बाद सारे कामों को जो है निपटा दिया, पानी वगैरह उठा दिया, बर्तन वगैरह वॉश कर दिया, थोड़ा सा हेल्प हो जाता है हम लोग का। अभी मैं खाना पकाऊंगी, दीदी भी अपना काम करेगी। चलो ओ हॉर्लिक्स पी लो। हॉर्लिक्स हाँ यहाँ पे है हॉर्लिक्स, मामी गरम कर दिया था। मंजिता यहाँ पे बाल को बना रही है, ये देखो अजय देवगन स्टाइल हो गया। तो हाँ क्लिप लगाओ, सुंदर हो जाओ। हाँ बस अभी मैं खाऊंगी, बिस्किट को डुबाऊंगा, वो इतना गर्म है दूध तो। बीन्स जो है अभी तक यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है, और भी थोड़ा सा है। पूरा पकाना है क्या ये एक ही साथ में? पकाना है, देखते हैं ज्यादा हो जाएगा क्या। ज्यादा हो जाएगा, हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। और मंजिता तो यहाँ पे बिस्किट और हॉर्लिक्स खा रही है एंड में अभी। और यहाँ पर जो है मैंने दे दिया है पानी एंड ड्राई फिश। इसमें मैंने आलू काट के रख दिया है, आलू को जो है पका रही हूँ, क्योंकि उतना सब्जी नहीं है इसमें। धनिया पत्ता देखे जो है मैं पका लूंगी। अभी मैं बिस्किट और हॉर्लिक्स खाके भी हो गया। और यहाँ पे नानी कच्ची को खाते मसले का क्या बोलते पेड़ लगाने के लिए ना, मसला का पेड़। हाँ ये क्या यहाँ मसला पे है मालूम नहीं, लेकिन मसला का पत्ता है ये। कल को मम्मी लेके आया था। यहाँ पे लगाएगा अभी नानी, इतना जंगल है। हाँ अच्छे से उगते ना, बोल के छाया में लगानी चाहिए। मैं सुबह सुबह गड्ढा खोद लिया था गाबूचे इतना नीचे करके, अभी जो उसको मिट्टी डालना पड़ेगा। इसका मिट्टी देखो इतना सारा, पूरा कैसे भी खोटे। अभी हम फूल का बगान दिखा देते, देखो इतना सुंदर सुंदर फूल है। ये मेरी और मामी लगाया था, देखो इतना सुंदर है। और एरोवेरा देखो पूरा लंबा होते जा रहे धीरे धीरे। और इधर में एक सरप्राइज है, बीजू फूल निकल रहा है। यहाँ पे देखिए बीजू फूल निकल ही रहे, देखो इतना सुंदर से। जब अच्छे से उगेगा ना तब पूरा बहुत सुंदर दिखेगा। और यहाँ पे भी निकल रहा है देखो देखो। और मम्मी उधर में क्या कर रहा है? हाँ इसमें ये जो सरसों का सीड है उसको हाँ। रखेंगे और उसका मार मार के उसका सीड निकालेंगे। और लाठी से ना दंडा से तो मार मार के सब कुछ सीड निकाल देगा। ये नानी काट के रखा था ना पहले में? मैंने ही काटा है। और वहाँ पे भी है ना? अच्छा। और गाबुच्चे भी यहाँ पे आ गया, देख देखिए गाबुच्चे को भी काम पे लगाएंगे यार। हाँ बेकार में खाना खाती है ना ये। हाँ खाना भी नहीं खाते, बस लेतो और लोकिए को खाना भी खाने नहीं देते ना गाबुच्चे मम्मी। और यहाँ पे भी है फूल, रोज फूल और येलो कलर का फूल। ये सेम तो ही है रोज फूल पर अलग है। और यहाँ पे भी पिंक कलर का, ये पता नहीं इसको क्या बोलते हैं ये फ्लावर को। यहाँ पे इतना सारा फ्लावर निकल रहे हम लोग का, फ्लावर का बगान ही है बगान।
इतना सुंदर सुंदर फ्लावर का बगान है, लेके जाएगा यहाँ से ना सब कुछ उठा के लेकर जाएगा, वरना तकलीफ होगा यहाँ पे आना जाना करने के लिए ना। इसलिए पहले से एक जगह जमा करके रखूंगी। हाँ तो मम्मी कैसे लेकर जा रहे इतना ज्यादा, भारी नहीं लग रहा है? भारी तो नहीं है, हल्का है ना। हाँ, ये थोड़ा हल्का होता है, सर पे उठा के लेके आ रही थी। हाँ। और बेम्बू में लग के पर गिर गया सब कुछ सरसों। अच्छे से लेके जाना अभी, और फिर से लग जाने से गिर जाएगा। यहाँ पे रखेगा मम्मी भी, और फिर से लाएगा, जमा करते रहेगा, उसका भी मारेगा डंडा। नानी लाए पत्ता का सीट को काट रहे ना, और सुखाएगा। हाँ, निकालने बाद और सुखा के मशीन में पीस के ऑयल निकालेगा। हाँ, खाना रेडी है कि नहीं मानी? खाना अभी लास्ट में एक सब्जी बाकी है, हो जाएगा। ऑमलेट खाएगा या अंडा बॉयल? क्या खाएगा? ऑमलेट नहीं खाएगा, कल को खाएगा। ठीक है गावच्ची भी, गावच्ची आज गावच्ची ज्यादा प्यार आ रहा है ना। हाँ, अभी अभी क्या कर रहा है मामी का साथ? पूरा जीप ऐसे करता है। हाँ, चिकनवा दे दो मामी, मामी चिकनवा दे दो। मामा का साथ बनाया था। हाँ, एक तो रील्स बनाया था इंस्टाग्राम पे लम्बो का। हाँ, और हम कैमरा मैन बना हुआ था। मैं ये राहर बीन्स का सब्जी भी पका रही हूँ दोस्तों, ये देखिए तो इसका झूल भी सूख गया है, और यहाँ पे मैंने चावल की ग्रेवी भी रख दिया है। पहले वाला राइस फ्लोर जो है खत्म हो गया था, वह वाला खत्म हो गया, अभी इसको दे देती हूँ। अभी इसे मिक्स करो। मैं थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट दे देती हूँ। खाना वगैरह सब कुछ रेडी हो चुका है, अभी मैं मंदिर के लिए जो है पैकिंग कर रही हूँ यहाँ टिफिन पर। तो अभी चावल तो हो चुका है, और इसमें जो है सब्जी देना है। आज उतना अच्छा अच्छा सब्जी नहीं है, बस दो सब्जी है, यहाँ पे आलू है और यहाँ पे ये वाला बीन्स। तो सबसे पहले आलू को दे देती हूँ। आलू भी हो चुका है और बीन्स का सब्जी। ये भी हो गया। ये जो है मंदिर का जो बड़ा वाला मंदिर है भगवान बुद्ध के लिए देने के लिए। खाना भी निकाल दिया है, अभी खा लेते हैं। यहाँ पे मेरी थाली है, और मंदिर के लिए जो है वहाँ पे मैंने रख दिया है पैकिंग करके। तो अभी बस हम लोग खा रहे हैं, और वहाँ पे एक तो भैया आया है हम लोग का खेत पर जो है ट्रैक्टर मारने के लिए, तो हो चुका है वो भी कम्प्लीट। अभी भैया भी खाना खा लिया है ऑलरेडी, गया वो भैया का घर से। अभी बस हम लोग खाएंगे यहाँ पे। आज उतना अच्छा अच्छा सब्जी नहीं, बस दो सब्जी है, आलू और बीन्स का सब्जी। ये इतना अच्छा सब्जी है, बीन्स का तो अच्छा है, वो एकदम लोकल ऑर्गेनिक वाला है ना। हमने खाना वगैरह भी खा लिया है, मंजिता अभी टीवी देख रही है, और हम लोग थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, पर मम्मी और दीदी पूरा काम पे लग गए हैं। यहाँ पे पूरा लाई पत्ता का सीट वगैरह जो है निकाल दिया है धूप में सूखने के लिए, और दीदी ने जो है यहाँ पे फिर से रख दिया, इसे जो है और भी निकालना पड़ेगा सीट वगैरह को। और यहाँ पे देख सकते हो ट्रैक्टर मार दिया है सुबह में भैया ने, तो इसमें जो है हम लोग खेत करेंगे। तो और भी ये वाला जो है थोड़ा सा वो ग्रास वगैरह को छीलना पड़ेगा, साफ सफाई करना पड़ेगा, बहुत जंगल जंगल होता है बारिश देने से, इतना जल्दी उगता है ना। उस दिन में दो हफ्ता मान लो, दो हफ्ता पहले मैंने सफा किया था, देखो यहाँ पे और भी हरा हरा करके निकल आ रहे हैं छोटे छोटे, और वहाँ पे मम्मी पूरा मस्टर्ड, हाँ जितना भी मस्टर्ड लिप्स का सीड वगैरह है उसे निकाल रही है। दीदी तो पूरा खाना खाने के बाद इतना काम पे लग गई ना, नो रेस्ट करके मैंने यूं किया ताकि मेरा फिगर मेंटेन रहे, समझ गई? आजकल थोड़ा पेट निकल गया इसका भी, इसलिए इसको पेट को अंदर घुसाना है, इसलिए मैं आके ऐसे ऐसे करके निकाल दिया। ये देखो
यहाँ पे तारपोलिन बिछा के जो है मम्मी और दीदी ने यहाँ पे इतना सारा मास्टर लिप्स का ये गुटी है सीट वगैरह पूरा निकाल दिया, ये पूरा कंप्लीट हो गया। ओ ये धूप में सुखा रहा है ना? हाँ अभी वहाँ से मुझे लाना है, धूप में सुखा रहा है, ये बारिश में पूरा खराब हो गया। देखो ना अभी इसमें जो ट्रैक्टर मार दिया ना, इसमें जो है हम लोग खेत करेंगे, तो देखते हैं क्या क्या हम लोग उसमें क्या क्या लगा देंगे। और गाबूची भी आ चुका है, देखो ये आज खाना नहीं खाया है, पता नहीं सब्जी पसंद नहीं है क्या, नहीं खा रहे। और मंदिर पे ये खाना लेके जाएगा, अभी तक 10 नहीं बजा है, तो 10 बजने के बाद वो चला जाएगा। अभी मैं भी अमरूद खा लेती हूँ। इसको कहाँ रखेगा? अदरक लगाने से। जितना भी पौधे हैं सबसे फेवरेट है ये वाला, ये वाला जब लगेगा ना दोस्तों, आप लोग पूरा वाह जीरी का पसंद इतना अच्छा है बोलेगा। ये देखो जिंदा हो रहा है, यहाँ पे छोटे छोटे करके उग रहा है। ये थोड़ा सा अगर हाथों से लो करेगा तो खत्म। मुझे जो है साफ सफाई थोड़ा करना पड़ेगा। अरे पता नहीं आजकल थोड़ा आलसी हो गई हूँ, ज़्यादा धूप में रह नहीं पाती हूँ। उधर से लेके आ रही है दीदी, जितना भी है पूरा कलेक्ट करना पड़ रहा है। सभी अपने अपने काम पे लग गए हैं दोस्तों, और मैं आंगन की साफ सफाई कर रही हूँ। यहाँ पे पूरा क्लीन कर दिया है मैंने, तो वो सब जो है नहीं दिखा रही हूँ, पूरा थक जाते हो काम करते करते, क्योंकि ये आंगन साफ सफाई करने में ना इतना तकलीफ होती है, बाप रे पूरा नीचे नीचे खराबी उतना हो नहीं सकता, बैद बैद के साफ सफाई करनी पड़ती है। ये देखो इतना ज़्यादा कचरा निकल आ चुका है, इसे जो है और भी एक राउंड मारना पड़ेगा। थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ, प्यास भी लग रही है। मंजिता पानी बोतल एक तो लाओ। बाप रे इतना धूप दे रही है, ये लोग भी पूरा लाल लाल हो चुका है। देखो मम्मी का गाल भी लाल हो चुका है, दीदी का भी। खाना आ जाओ, पक गए। लाल लाल हो चुके हैं, बाप रे लाल 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 तो तेरा। मंजिता लाओ तो ठंडा पानी। नानी और मम्मी रेस्ट कर रहे, थक गया पुराना काम करके। हाँ देखो पूरा रेत रेत हो गया नानी का और मम्मी का, और थक गया। और यहाँ पे देखो इतना ज्यादा कचरा है, और यहाँ पे मामी पूरा सफा कर रही, इतना ज्यादा गंदा है ना। हाँ, गंदा है। पर सब को सफा किया था, इतना जल्दी गंदा आ जाता है पूरा ना मामी। बारिश देने से बहुत जल्दी गंदा होती है। हाँ पूरा कचरा सब वो ऊपर से वो पत्ता सब गिरता है नीचे में पूरा, और इधर में भी इतना सफा कर दिया। देखो इतना सफा से रखते हैं हम लोग ना मामी। क्लीन हो चुका है, अभी धीरे धीरे करके जो है सफाई करनी पड़ रही है मुझे। हाँ। फिर उसके बाद में नहाऊंगी, अभी मेरा बदन से जो है पसीना निकल आ चुका है। हाँ। पसीना निकलने से अच्छा है, थोड़ा सा एक्टिव रहती हूँ मैं काम से। चेहरा तो लाल हो गया मामी आपका, आज धूप ज्यादा दे रही है ना उसके कारण। हाँ देखो इतना खतरनाक से धूप दे रहे हैं, माथा भी गर्म होता है। हाँ सभी कामों को जो है निपटा लिया है, अभी रेस्ट कर रहे हैं। तो मम्मी तो नहीं है, मम्मी नहा धो के पता नहीं कहाँ घूमने गई है। अभी हम लोग खाएंगे छोटा वाला जकफ्रूट का चटनी, तो लेमू बगीचा में लेने के लिए गया है। अभी मैं मिर्च की चटनी को है रेडी कर देती हूँ, ज़्यादा स्पाइसी करके नहीं खाते हैं, क्योंकि हम लोग जो है थोड़ा आजकल मिर्च को कम कर दिया, ऐसे बहुत दिन हो गया चटनी कुछ भी नहीं खा रहे, थोड़ा सा आस खाने का मन कर रहा है, तो धूप भी अच्छे से दे रही ना, अच्छे से धूप देने से खाने का मन करता है। उकली पर जो है मैंने थोड़ा सा मिर्च पाउडर और नमक दे दिया है, अभी इसको खोट लेती हूँ, फिर उसके बाद ड्राई फिश दे दूंगी। लेमो और बगीचे से अभी तक आया ही नहीं, और यहाँ पे एक तो ड्राई फिश जो है मैंने भून लिया है, तो अभी ये मिर्च का चटनी पर ऐड करनी पड़ेगी ड्राई फिश को। ड्राई फिश को ऐड करने के बाद जो है मिर्च का चटनी रेडी हो चुका है, ये देखिए दोस्तों। अभी लेमो पता नहीं कितना टाइम लगेगा, और कितना टाइम लगेगा, जल्दी आओ। अभी संतुष्टि मिला मैडम, इतना जोर जोर से चिल्ला रहा था मैं, पूरा तोड़ने में बिजी था। अभी इनको छील रहा है, देखो। हाँ, इसे जो है छीलना पड़ता है। हाँ, इससे थोड़ा सा दिखा देती हूँ, यहाँ पे देखो, इसी के साथ खाएगा तो पूरा गला में फंसेगा। हाँ, गला पे नहीं फंसने के लिए इसको फेंकना पड़ता है। इसको कटिंग करूंगी, और हाँ कटिंग करके चटनी बनाना है पूरा ना। और यहाँ पे देखो पूरा अमरूद भी पूरा फूल है, और ये तो हीरो हो गया। नहा लिया, नहा लिया। कहाँ घूमने जाओगे? हाँ, वो पेन नानी लाके ने बोला छोटा हो गया, वो
जाएगा। अच्छा चटनी खाओगे? हाँ। नहीं खाओगे? ज्यादा मत खाना, ज्यादा नहीं, स्पाइसी ज्यादा नहीं खाते ना। यहाँ पे क्या हो गया, एलर्जी लग गया, दाम उठ गया है, और नाक में क्या हो गया, किसी ने चुम्मा दे दिया। रात रात को परी ने किसी दे दिया ना, का बुझे ने, मच्छर ने। अच्छा अभी सब छील लिया, अभी इसको छोटा छोटा कटिंग करके यहाँ ओखली में एकदम पेस्ट बना के खाएंगे ना। डायरेक्ट ऐसे भी खा सकता है, लेकिन पेस्ट बनाने से ज्यादा और टेस्टी होता है ना। ये वाला बुदुनी बहुत निकल जाता है, पिसलता है, उसमें स्टेंट छोटा है ना। यहाँ पे तो पूरा है, और ये सब सेक्रीफाइस होने के लिए रेडी सब हमारे पेट के अंदर में जाएंगे। पेस्ट भी बन के तैयार हो गया गाइस, पूरा मिक्स। आज पेस्ट भी खाएंगे ऐसे गोटा गोटा भी ना। अरे बाप रे, मिर्च का चटनी दे दिया, स्पाइसी पानी दिया था, ज्यादा मिर्च नहीं है, पानी दिया ना, नमक थोड़ा सा, मुंह में पानी आ रहा, जल्दी मिक्स करो। रेडी हो चुका है, अभी खाते हैं। सोते उठने के बाद नहा के ये खाने को मिल रहा है, मजा लग रहा है। मंजिता ज्यादा मत खाओ, ठीक है? गांव का जिंदगी ऐसे ही होता है, गांव का जिंदगी गाइस, बचपन से हम लोग इसके दीवाने हो चुके हैं, बहुत ही खाते रहते हैं। ये देखिए चटनी मंजिता भी खा रही है। आप लोग सोच रहे होंगे बाप रे इतना स्पाइसी, लेकिन हम बचपन से एक्सपर्ट होते हैं इसके लिए, ज्यादा स्पाइसी नहीं है। हाँ ये बस खाने में गला में फंसता है, सूखा है ना। हाँ ये जो कतल के बच्चे हैं ये बहुत गला में फंसते हैं, तो अभी खाते हैं। मैं भी खाऊंगा, मुझे भी बहुत खाने का मन कर रहा है, कैमरा मैन बना हुआ हूँ। मेरा हिस्सा तो खा लिया है दोस्तों, और ये तीनों जो है अभी भी खा रहे हैं। मंजिता का भी हो चुका है। हाँ स्पाइसी लग गया उसको। अभी इसी के साथ जो है वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों, आप लोगों से मिलते हैं फिर से एक और नए ब्लॉग के साथ।